नमस्कार आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंह आज आपको फिर पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे सीबीआई ने आज तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को गिरफ्तार कर लिया इन चार गिरफ्तार नेताओं में तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मंत्री फिराद हकीम उसके अलावा दो विधायक सुब्रत मुखर्जी मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी हैं इनको जैसे सीबीआई सि गिरफ्तार करके ले जाने लगी अपने हेडक्वाटर पहुंची ममता बनर्जी अपने घर से निकली और सीधे वहां पहुंच गई और वहां उन्होंने एक तरह से धरना दे दिया है कहिए कि ये कहा है कि जब या तो इनको छोड़ा जाए इन चारों नेताओं को या मुझे भी गिरफ्तार किया जाए मुझे याद नहीं कि भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया हो कि सीबीआई या पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करे और मुख्यमंत्री जाकर कहे इन्हें छोड़ो या भैया मुझे भी गिरफ्तार करो इस तरह के वाकए बहुत से हमने थानों में देखे हैं जब किसी अपराधी गुंडे को छुड़ाने के लिए उसके साथ ही पहुँच गए लेकिन कोई मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का आचरण करे ये पहली बार है ममता बनर्जी का वहाँ पहुँचना था कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने घेराव कर लिया है पथराव किया सीबीआई ऑफिस के सामने उसके बाद अब गवर्नर के आवास के बाहर घेराव हो रहा है नारेबाजी हो रही है और इस इस समय किसी को पूरे कलकत्ता कलकत्ता ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन है लॉकडाउन की, की किसी को चिंता नहीं कोविड की किसी को चिंता नहीं है ये हो रहा है और सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता नेता ये काम कर रहे हैं अब सवाल यह है कि इससे पहले ये कि ये बताऊँ कि ये इसमें क्या हो रहा है देखिए सी की अदालत में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब सुनवाई चल रही सी बी कह रही है कि इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए इजाजत दे कोर्ट कोर्ट और जो बचाव पक्ष है वो इससे इनकार कर रहा है कि ये जांच में सहयोग कर रहे थे और अब अपनी बात कह चुके हैं सीबीआई को ऐसे में इनकी गिरफ्तारी की या कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अब सवाल आपके मन में बहुत से उठेंगे कि ये मामला चल रहा है पिछले चार साल से पाँच साल से बल्कि कहीं ये दो में चुनाव से पहले विधानसभा के उठा था और अब दो है पाँच साल बाद चुनाव भी हो चुके हैं पाँच साल हो गया है ये अब यहाँ क्यों पहुँचा है एक बात आपके मन में होगी तो उससे पहले आपके मन में एक बात ज़रूर होगी कि है क्या नारदा स्कैम दरअसल नारदा नारदा न्यूज़ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल था जिस पर यह खबर आई थी किसने किया था इसको किया सैमुअल मैथ्यूज़ ने जो एक समय मैनेजिंग एडिटर थे तहलका के तहलका का ये ऑपरेशन था और किसके लिए था ये बाद में बताऊंगा तहलका का ये ऑपरेशन था ये तो पश्चिम बंगाल के मंत्रियों नेताओं के खिलाफ और उसका मकसद राजनीतिक था देखिए राजनीतिक लोगों के खिलाफ जो भी स्टिंग ऑपरेशन होते हैं ज़्यादातर उनका मकसद राजनीतिक होता है और कोई ना कोई राजनीतिक दल उनके उसके पीछे या तो स्पॉन्सर करने वाला होता है या बढ़ावा देने वाला होता है या मदद करने वाला होता है इसमें भी है तो नादा स्कैम सैमुअल मैथ्यूज़ कौन है बताया मैंने उन्होंने क्या किया वो मोसाद से इसराइली जो खुफ़िया एजेंसी है उससे बड़े प्रभावित हैं उसके एक बड़े अधिकारी हुए माइक हरारी उनसे बहुत प्रभावित थे तो उसी तरह खुफिया एजेंसी के अंदाज़ में उन्होंने काम शुरू किया उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि चेन्नई में एक कंपनी जो है वो फ्लोट की जाए सब फर्जी उस कंपनी का उनको उच्च अधिकारी बनाया जाए बनाया जाए उसके बाद उनका एक आधार कार्ड बना जिस पर उनका नाम उनका उनका परिचय था संतोष शंकरन ये सब हुआ उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया कहा यह जा रहा है पहले एक शुरू में माना भी सेम मैथ्यूज़ ने कि इसका पैसा जो इसकी इस, इसके लिए जो पैसे की जरूरत थी वो के डी सिंह ने दिया जो राज्यसभा सदस्य थे तृणमूल कांग्रेस के व्यापारी हैं बड़े बिजनेसमैन हैं तहलका उन्होंने खरीद रखा है वो मालिक हैं तहलका के हालांकि के डी सिंह ने इनकार किया कि मुझे पता नहीं था इस स्ट्रिंग ऑपरेशन का लेकिन पता था नहीं पता था लेकिन पहले इसके लिए 25 लाख रुपए सेंक्शन हुए फिर 80 लाख सेंक्शन हुए तो पैसे गए तो ज़रूर के डी सिंह को पता चला होगा और उन्होंने पता करने की कोशिश की होगी कि, कि किस लिए जा रहे हैं या उनके जो अधिकारी हैं ये ये मामला देख रहे हैं यहाँ अकाउंट्स का मामला उन्होंने बताया होगा उनको लेकिन ये ये अलग पक्ष है इसको अभी छोड़ देते हैं तो सैमुअल मैथ्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन किया तृणमूल कांग्रेस के 12 नेताओं और एक आईपीएस अधिकारी एस एम एच मिर्जा के खिलाफ इन तेरह लोगों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ अब ये स्टिंग ऑपरेशन जो है ये नारदा न्यूज पर जो वेब, ये वेबसाइट थी न्यूज पोर्टल था इस पर जो है दिखाया गया विधानसभा 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले जब ये सामने आया बड़ा हंगामा हुआ तो ममता बनर्जी ने पहले कहा कि ये फर्जी है ये सब फर्जी बनाया गया है इसमें कोई सच्चाई नहीं है फिर जब कुछ लोगों ने इनमें से पैसा लेने की बात मान ली तो जिसने माना पैसा लेने की बात उनमें से किसी ने कहा मैंने मैदान बनवाने के लिए लिया किसी ने कहा कि ये पॉलिटिकल डोनेशन था किसी ने कहा कि आ, हमने हमने इस पैसे को अनाथालय को दे दिया पैसा तो लिया और स्टिंग में जिन लोगों को दिखाया गया है वो अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके काम कराने के लिए पैसा ले रहे हैं इसमें सांसद भी थे तीन या चार सांसद भी थे तृणमूल कांग्रेस के तो उसमें सौगत राय भी थे जो सांसद हैं वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने उस आ, इस स्टिंग को ही फर्जी करार दे दिया उन्होंने कहा कि मैं सैमुअल मैथ्यू से कभी मिला नहीं मैं जानता नहीं और ये सब फर्जी है कुछ नहीं ये मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भी गया एथिक्स कमेटी की अब आप देखिए किस तरह से राजनीतिक मामलों की जाँच होती है एथिक्स कमेटी की इस मामले पर सिर्फ एक बार बैठक हुई इसलिए वहाँ मामला ठप पड़ा हुआ अब जब जांच की मांग बढ़ने लगी उससे पहले शारदा स्कैम को लेकर जो है तृणमूल कांग्रेस गिरी हुई थी तो पुलिस जांच शुरू हुई कब शुरू हुई पुलिस की जांच 17 जून 2016 को पुलिस की जांच शुरू हुई तो ये ये अंदाजा सबको था ये मालूम था कि ये जांच जो है लिपापोती के लिए हो रही है तो इस पर एक पी आई एल कैलकटा हाईकोर्ट में फाइल हो गई वहाँ हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो हाईकोर्ट ने माना कि इसकी जांच निष्पक्ष ढंग से पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं कर सकती है किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए लेकिन हाई हाई कोर्ट ने कहा कि जब इसकी कि किसी और एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए तो याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट मान गया हाई कोर्ट ने जब सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया उसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल ठीक है सी बी से जांच होनी चाहिए इस मामले की राज्य पुलिस इसकी निष्पक्ष ढंग से जांच नहीं कर सकती है इसके बाद हाई कोर्ट ने जो पुलिस की जांच चल रही थी कहा कि पैरल जांच नहीं चल सकती पुलिस की जाँच को पर रोक लगा दिया और सी को जाँच सौंप दी ये जाँच सौंपी सत्रह अप्रैल दो अच्छा चलते चलते आपको ये बता दें कि ये इसमें इस में, इस, आ, में जो बारह नेता शामिल हैं इस आरोप में कौन कौन है तो फिरहाद हकीम का नाम आपने सुना जिनकी गिरफ्तारी हुई इसके अलावा मुकुल राय जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है सौगत राय सांसद हैं काकोली घोष दस्तीदार सुल्तान अहमद सुब्रत मुखर्जी शुेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी के लेजिस्लेचर पार्टी के नेता हैं सोवन चैटर्जी अपरूपा पोदार मदन मित्रा इकबाल अहमद प्रसून बनर्जी और आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा का मैंने आपको पहले ही नाम बताया उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू हुई 18 मार्च 2017 को उसके बाद जांच में ये सीबीआई ने इस टेप को सारे टेप्स को भेजा सीएफएल को सेंट्रल फॉरेंसिक लैब जो है उसको भेजा वहां से रिपोर्ट आई कि ये टेप जेनविन है इसके बाद जांच आगे शुरू हुई जब जांच आगे शुरू हुई तो अब आपको लगेगा कि चूँकि सत्रह में हाई कोर्ट ने कह दिया था जांच को आज हम 21 में हैं अब गिरफ्तारी हो रही है ये पहली गिरफ्तारी हो रही है इस मामले में शारदा में पहले हुई है लेकिन नारदा में पहली बार हो रही है तो अब क्यों हो रही है हुआ एक कि उसमें एक पेच फंस गया पेच ये फंसा कि ये कहा सैम्यल मैथ्यूज़ ने कि कुछ हिस्से मैंने इसके उसमें से सी को ये दिखाई दिया कि कुछ हिस्से गायब हैं टेप से तो पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने अपने एप्पल आईफोन पर जो है वो सेव किए थे वो और उसका पासवर्ड मैं भूल गया अब वो पासवर्ड भूल किया गया हूँ बताने को तैयार नहीं था अब सी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो उन्होंने एप्पल कंपनी से संपर्क किया एप्पल ने कहा कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके तहत हम पासवर्ड नहीं बता सकते तो वो दरवाज़ा बंद हो गया फिर सी ने प्राइवेट हैकरस का जो है सहारा लिया उनकी सर्विसेज ली अब ऐसा लगता है गिरफ्तारी हो रही है तो इसका मतलब प्राइवेट हैकर्स उसको क्रैक करने में उस पासवर्ड को सफल हो गए हैं और वो जो फुटेज जो है गायब हो गया था वो सीबीआई को मिल गया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि मिल गया है कि नहीं लेकिन नहीं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ सी अगर आगे बढ़ी है तो इस उसको मिल गया होगा अब देखिए ऐसे मामलों में अगर पोलिटिकल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बड़ी जल्दी आरोप लगता है कि पोलिटिकल वेंडेटा है चुनाव से पहले हो तो चुनाव के लिए चुनाव के दौरान हो तो चुनाव का नतीजा प्रभावित करने के लिए अभी पश्चिम बंगाल में न चुनाव होने जा रहे हैं न देश में चुनाव होने जा रहे हैं तो इस समय कार्रवाई हो रही है तब भी सवाल उठ रहा पॉलिटिकल वेंडेटा कौन सवाल उठा रहा है सी और कांग्रेस पार्टी कि कोरोना के समय में पेंडे पैंडेमिक के समय में जो है आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या पैंडेमिक के समय में सारे अपराधों की जाँच रोक देनी चाहिए पुलिस को जो है घर बिठा देना चाहिए कि अभी पैंडेमिक चल रहा है किसी अपराधी को पकड़ो मत गिरफ्तार मत करो जो जो कर रहा है उसे करने दो मत किस तरह का तर्क दिया जा रहा है कि पैंडेमिक चल रहा है इसलिए ये कार्रवाई नहीं होनी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए पैंडेमिक से गिरफ्तारी का क्या मतलब है अभी सुनवाई वहाँ हाईकोर्ट में चल रही है और उस उसका नतीजा थोड़ी देर में आ जाएगा अगर ये वीडियो पूरा होने तक आ गया तो मैं आपको बताऊंगा देखिए ये जो चार नेता गिरफ्तार हुए हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए इनके प्रोसिक्यूशन के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सात मई को मंजूरी दे दी थी वो भी एक विवाद का मुद्दा बन गया है कहा जा रहा है कि राज्यपाल से क्यों परमिशन ली गई विधानसभा अध्यक्ष से क्यों नहीं ली गई विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है क्योंकि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया पहले इसलिए विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती लेकिन जो गैर विधायक है उसके बारे में क्या कहना है तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी जिस तरह का संदेश दे रही हैं कि वो हत्यारों को बचाएंगी वो भ्रष्टाचार करने वालों को बचाएंगी वो दंगा करने वालों को बचाएंगी लेकिन वो अपने लोगों को जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है उस जिस, जिस आरोप पे उनकी गिरफ्तारी हो रही है सेंट्रल एजेंसी कर रही है अदालत में पेश कर रही है उनको बचाने के लिए जाएंगी लेकिन ममता बनर्जी वहाँ नहीं जाएंगी जब राज प्रदेश के राज्यपाल का काफिला सिर्फ आठ गुंडे गुंडे आठ आठ गुंडे रोक लेते हैं रास्ता उनका पुलिस कुछ नहीं करती उनसे कुछ कहने की बजाय पुलिस राज्यपाल से कहती है कि अब आगे जाना संभव नहीं है आप लौट चलिए ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की वहाँ का की सरकार इस तरह से काम कर रही है वहाँ की मुख्यमंत्री का व्यवहार आप देखिए किसी भी जनतांत्रिक किसी भी चुनी हुई सरकार का के मुखिया का इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता भाई देश में कानून है जांच एजेंसी है अदालत है हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है सब सब दरवाजे खुले हुए हैं अगर वो लोग निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है कि, कि किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ या किसी विधायक मंत्री के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही हो भ्रष्टाचार के आरोप में तो ये एक बात ही समझिए कि ये तहलका का ऑपरेशन ये सैम्यूल मैथ्यूज मैथ्यूज जिन्हें जिन्होंने किया और तहलका भी आपको याद होगा ये कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते 2004 से 14 के बीच में कितने घोटाले हुए कितने बड़े बड़े घोटाले हुए आपको इस हल्का का कोई स्टिंग इसके बारे में शायद ही दिखाई दे मुझे नहीं दिखाई दिया आपको दिखाई दिया हो तो बताइएगा दूसरी बात बहुत बड़ा मुद्दा है आ, इस ये रहस्यमय है और ये रहस्य ये है इसका रह, रहस्यमय इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्टिंग ऑपरेशन 2014 में हुआ 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद ये ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था ममता बनर्जी को काबू में करने के लिए और ये स्टिंग ऑपरेशन बताया जा रहा है कि ये सीपीएम और कांग्रेस के मदद से या उनकी शह से या उनको मदद पहुंचाने के लिए किया गया अब वो लोग उन, उन उस, इन दोनों पार्टियों का कोई नेता इसमें शामिल था मदद कर रहा था ये मुझे नहीं मालूम है लेकिन उनको मदद पहुंचाने के लिए कि ममता बनर्जी कंट्रोल में रहें इन लोगों को लग रहा था कि जैसे ही मोदी की स्थिति कमज़ोर होगी तो ये हमारे साथ आएंगी उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा कुछ होना चाहिए तो अब सोलह में तो उसका असर हुआ नहीं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला लेकिन ममता बनर्जी और उनके साथी तो अब फंस रहे हैं तो अब कांग्रेस और सीपीएम दोनों इसका विरोध कर रही है। विरोध का कोई आधार नहीं उनके पास सिर्फ एक बहाना है कि ये पैंडेमिक है तो इस मुद्दे पर जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई ये जो आईपीएस अधिकारी हैं इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन जो है वो सात दिन पहले गृह मंत्रालय ने दे दिया है इस एक बात से इस एक खबर से आप अंदाजा लगाइए कि केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस ओर बढ़ रहे हैं ये मुद्दा अब यहीं पर रुकने वाला नहीं ये इन्वेस्टिगेशन रुकने वाला नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन ये उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी अंतिम परिणति तक पहुँचेगा अगर ये अपराधी हैं दोषी हैं तो इनको सज़ा दिलवाएगा ये इन्वेस्टिगेशन अगर ये निर्दोष हैं तो अदालत इन्हें मज्जत बरी कर देगी लेकिन मामला तो आगे बढ़ेगा और ममता बनर्जी का ये जो टेंट्रम है ये जो ये जो आ, उनका खेल होता है कि धर, धरने पे बैठ जाऊंगी राजीव कुमार के साथ पहले ऐसा कर चुकी हैं सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया तो धरने पे बैठ गई उनके साथ बैठ गई उनको बिठा लिया साथ में एक सी बी आने पाए इस समय भी सी को प्रोटेक्शन जो है उसके दफ्तर को राज्य पुलिस नहीं दे रही उसके उसके दफ्तर को प्रोटेक्शन सेंट्रल फोर्सेज दे रही हैं राज्य पुलिस बाहर है वहाँ तोड़ वहाँ पर जो है वहाँ पर पथराव हो रहा है बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं राज्य पुलिस कुछ नहीं कर रही है और लोगों की भीड़ जो है जिस तरह से जमा है जिस तरह का उनका हिंसक रुख दिख रहा है ये 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 घटना कोई भी टर्न ले सकती है कोई भी मोड़ ले सकती है लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है सब कुछ संविधान और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है जिस तरह की हिंसा की घटनाएं हो रही थी हो रही हैं जिस तरह लोगों का पलायन हुआ है जो व्यवहार राज्यपाल के साथ हुआ है और आज जो मुख्यमंत्री जी ने किया है जिस तरह से अभियुक्तों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में आगे क्या होने वाला है आज बस इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार जाते जाते आपसे ये अनुरोध जरूर है कि इस चैनल को देखिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए नमस्कार